नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, कल यानी वेडनेसडे को भारत के डीआरडीओ ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेकेंड फेज का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। और इस टेस्ट के बाद अगर भारत पर कोई भी देश 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से भी अटैक करता है तो भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराएगा हवा में ही। ये टेस्ट पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा और अब भारत के पास अपना खुद का बनाया हुआ ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से भी भारत की रक्षा कर सकता है। इसको लेकर डीआरडीओ ने एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वही इंटरसेप्टर मिसाइल है जो छोड़ी गई है एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसा चांदीपुर में, जो टारगेट मिसाइल थी यानी जिसे दुश्मन की मिसाइल की तरह छोड़ा गया था, उसे छोड़ा गया LC-4 धमरा से 4:20 पर। उसे फिर वेपन सिस्टम राडार्स ने डिटेक्ट किया, जिन्हें डिप्लॉय किया गया था लैंड और सी दोनों जगह पर, और बाद में उसने एक्टिवेट कर दिया भारत के इस नए एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम को। उसके बाद 4:24 पर LC-3 से एंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल को लॉन्च किया गया और उसने उस एनिमी मिसाइल को मार गिराया। डीआरडीओ का कहना है कि फ्लाइट टेस्ट फुल्ली मेट ऑल ट्रायल ऑब्जेक्टिव वैलिडेटिंग कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर वेपन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग रेंज सेंसर्स, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिशन कंट्रोल सेंटर। भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भारत को मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल। फेज 2 AD एंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल एक इंडिजीनियसली डेवलप दो स्टेज वाला सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जिसे किसी भी एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। और ये दो एल्टीट्यूड ब्रैकेट में काम करेगा, एक एंडो एटमोस्फेरिक और एक एक्सो एटमोस्फेरिक रीजन। एक्सो एटमोस्फेरिक मिसाइल जो होती है वो किसी एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है इन द अपर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर यानी 100 किलोमीटर से ऊपर। और जो एंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल्स होती हैं वो किसी एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है विद इन अर्थ एटमोस्फेयर यानी 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड के नीचे। भारत के इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में दो तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। एक है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो है एक्सो एटमोस्फेरिक रेंज के लिए, और दूसरी है एडवांस एरिया डिफेंस मिसाइल, ये है एंडो एटमोस्फेयर के लिए या लोअर एल्टीट्यूड के लिए। आप लोग जानते हैं भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान और चाइना, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के पास अपना खुद का बनाया हुआ एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। आप लोगों को मालूम है कि भारत रशिया से भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट कर रहा है, 4 आ चुके हैं और 5वां आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो क्राइसिस चल रहा है रशिया में यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से S-400 की 5वीं यूनिट डिले हो रही है, और इसलिए हम ऐसी चीजों के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज बनानी होगी। अब भारत के पास S-400 के साथ साथ अपना खुद का बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन अगर S-400 की बात करें तो इट कैन डिटेक्ट ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जेट्स, स्पाई प्लेन्स, ड्रोन्स और कुछ इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स जिनकी रेंज हो सकती है 380 किलोमीटर तक। लेकिन हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हजारों किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। अब भारत ने अपने BMD का जो फेज 2 का टेस्ट किया है, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है Shaheen-3, उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान की कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो हमारे इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को बीट कर सके। इस टेस्ट के बाद भारत कुछ उन एलीट कंट्रीज में शामिल हो गया जैसे कि US, रशिया, चाइना और इजराइल, जिनके पास अपना खुद का बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। DRDO इससे पहले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज 1 ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। फेज 1 जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, उसकी रेंज थी 2000 किलोमीटर की, यानी वो 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को ट्रैक कर सकता था और उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो भी मल्टी लेयर था यानी एंडो एटमोस्फेरिक और एक्सो एटमोस्फेरिक। BMD के फेज 1 में जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी उनकी स्पीड थी 4.5 Mach, ये सुपर सोनिक स्पीड थी। हालांकि भारत ने अभी भी BMD के फेज 1 को डिप्लॉय नहीं किया है। साथ ही DRDO ने लास्ट ईयर अप्रैल में एक सी बेस्ड एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का भी मेडन फ्लाइट ट्रायल किया था। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत ने इस सिस्टम का फेज 1 सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है तो उसे डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? हो सकता है ऐसा इसकी कॉस्ट की वजह से किया गया हो, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है, और शायद इसीलिए इसके डिप्लॉयमेंट पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। साथ ही इसका एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर भारत ने इसको डिप्लॉय कर दिया तो हो सकता है पाकिस्तान और लंबी रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की कोशिश करे, ये सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेट्स सी भारत सरकार इस सिस्टम को डिप्लॉय करने का डिसीजन कब लेती है। DRDO की उपलब्धि पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।